इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा, सीएम बोले फूलों की मार से हुआ घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मैडम सोनिया गांधी, हमने संकल्प किया है कि सनातन धर्म को समाप्त करने वालों की हम राजनीति समाप्त कर देंगे। शक आए, हुड़ आए, मुगल आए, लेकिन सनातन धर्म को कोई समाप्त नहीं कर पाया। कमलनाथ द्वारा बंद की गई योजनाएं मैंने चालू कर दी हैं। अब कोई भी कॉलोनी अवैध नहीं रहेगी। इस यात्रा के जरिए मैं जनता से आशीर्वाद मांगने आया हूँ। लोग पत्थर की मार से घायल होते हैं, लेकिन आज फूलों की मार ने मुझे घायल कर दिया। ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कुलकर्णी नगर में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। कमलनाथ द्वारा 50% के कमीशन खोरी के आरोप को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उन्हें हार का डर लग रहा है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। हर विधानसभा में रथ पर सवार हुए विधायक और प्रत्याशी। इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत सुबह 11 बजे राव से हुई थी। यहां भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा रथ पर सवार हुए। जब यात्रा विधानसभा 4 में पहुंची तो विधायक मालिनी गौड़ और विधानसभा 1 पहुंचने पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता रथ पर सवार हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें सबसे आगे खड़ा कर दिया। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के पोस्टर जगह जगह लगे थे। पोस्टर में पार्टी से इस्तीफा दे चुके प्रमोद टंडन के फोटो भी बैनर पर लगे होने से कहा जा रहा है कि पार्टी ने अभी टंडन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है और पोस्टर उनके इस्तीफा देने के पहले ही छप गए हैं। कांग्रेस द्वारा नशे पर वार लिखकर लगाए गए थे बैनर। दोपहर 2 बजे राव के राजीव गांधी सर्कल से सभी नेता रथ से उतरकर कार के माध्यम से सीधे चाणक्यपुरी चौराहा पहुंचे। यहां से यात्रा अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। राजीव गांधी चौराहे के पास राव विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीन से बड़ी माला और पुष्प वर्षा कर शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। यात्रा में सीएम के साथ भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक मालिनी गौड़, शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, भाजपा नेता मधु वर्मा, सावंत सोनकर सहित बड़े नेता भी थे। यात्रा के दौरान जगह जगह पर कांग्रेस द्वारा भी नशे पर वार लिखकर बैनर लगाए गए थे। जेसीबी और क्रेन पर चढ़कर सीएम के ऊपर पुष्प वर्षा। यात्रा कृष्णपुरा छतरी से आगे बढ़कर वीर सावरकर मार्केट होते हुए जूनी मंदिर से आगे बढ़ी। यहीं पर सीएम रथ से उतरकर कार पर सवार हुए और शहर के श्री माया होटल पहुंचे। भोजन ग्रहण करने के बाद फिर विधानसभा 2 की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज मालवा मील चौराहा पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।